हाफ टाइम के बाद का मैच दोस्तों, दूसरी तरफ मैच चल रहा था। सॉरी, स्कोर है इस समय बैसवाल का 20 और जसौर खड़ी का 11 अंक। ये जो हमारे गाँव वाइज के खिलाड़ी हैं, आप लोगों को इनमें जो हमारी बाहर से टीमें आई है, देखो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनसे सबक लेना चाहिए कि रैफे के साथ इस तरह स्कोर हो चुका दोस्तों 12-21 अंक है जसौर खड़ी टीम के और 21 अंक है बैसवाल की टीम के। बैसवाल की टीम काफी मजबूत टीम है दोस्तों, बड़े बड़े सुपरस्टार प्लेयर इस टीम के अंदर है और मोनी को जबरदस्त कैच लगाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही अर्जुन पे बड़ा अच्छा प्लेयर है दोस्तों, यूपी से बिलोंग करता है, इंडिया के लिए खेल चुका है और डीएसपी के पद पे कर रहा था। पहले रेड आर्मी के अंदर कर रहा था, अभी 2 महीने पहले ही रेड आर्मी को इस्तीफा देके डीएसपी का पद ज्वाइन किया है। यूपी प्रदेश यूपी सरकार ने डीएसपी का पद दिया है और अब चला रेड में मैंक, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों, मैंक हिमाचल से बिलोंग करता है, राजपुरा टीम के लिए परमानेंट खेलता है। वहीं व्यास करता सजीव ठाकुर इनका गुरु और गोटेगाम टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाया था और इस तरफ और मिथू चला रेड में मिथू शर्मा काम नौड़ा था जिला पानीपत और सामने नीनी और नवीन वो भी नौड़ा गांव से हैं, तो आज नौड़ा की नौड़ा से टक्कर मान सकते हैं और कवर पे नितिन देसवाल और साहिल और मोनी ने जबरदस्त कैच लगा दिया यहाँ पे और स्पोर्ट किया नीनी ने, मूवमेंट को बिल्कुल तोड़ दिया यहाँ पे और करमवीर फिर चला रेड पे। स्कोर 14-22 अंकों की लीड है टीम बैसवाल के पास। विकास फिर चला रेड पे, विकास कंडोला गांव बुडैन जिला जींद रेलवे में अंदर कर रहा था दोस्तों, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। एक तरफ पे सज्जन हरियाणा का डिफेंस इस वक्त नजर आ रहा है, इस वक्त चेन का डिफेंस टाइम काट रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर चेन में है, लेफ्ट कवर भी चेन में, देखते हैं भाई पिछले 2000 साहिल और नितिन देसवाल की जोड़ी कवर पर और टाइम आउट बुलाया। टाइम आउट के अंदर स्ट्रेटजी बनाती हुई टीम बैसवाल की बहुत ही मजबूत टीम है, 5 प्लेयर इंडियन टीम का हिस्सा इंटरनेशनल प्लेयर और मोनी देसवाल बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, लंबी हाइट जबरदस्त रेडर है मोनी, जज्जर से बिलोंग करता है और इस बार एंकल होल्ड कर लिया है नितिन रावल ने। विकास कंडोला और पासी कितना रेड पे, स्कोर हो चुका दोस्तों 14-23 अंक हो चुके हैं और अनुराग देसवाल ने डैश करने की कोशिश और रेडर और मैं फिर चला रेड पे, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है लेकिन बैसवाल की टीम भी बड़ी मजबूत टीम है दोस्तों, स्कोर निकालना बहुत मुश्किल कार्य है मैं के लिए। स्कोर दोस्तों 8 अंकों की लीड है टीम और यहाँ पे थाई होल्ड किया नितेश कुमार द्वारा, 24-15 का स्कोर हो चुका है
जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिलती हुई। मित्तू शर्मा सामने नवीन शर्मा, दोनों एक ही काम से बिलोंग करते हैं और जबरदस्त बैक होल्ड। तो करमबीर फिर चला रेड पे, करमबीर ठाकुर युवा सीरीज में बड़ा अच्छा खेल दिखाया इस प्लेयर ने और आज बैसवाल की टीम के सामने कुछ करना होगा। और यहाँ पे कैच लगा दिए नितेश कुमार गाम आदमपुर जाडी जिला चरखी दादरी जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है। और विकास कंडोला, विकास कंडोला को दोस्तों आज से 12 से 13 साल पहले बिल्कुल छोटी उम्र में देखा है मैंने खेलता, तब से लेकर अब तक देख रहा हूँ जबरदस्त खेलता है। और कॉर्नर पे टच का दावा और दे दिया बिल्कुल। और मोनी 16-26 फिर चला रेड पे, मोनी कुछ करना होगा, मल्टी पॉइंट की रेट लगानी होगी, एक दो से कुछ नहीं होगा। और मीतू तीन के डिफेंस में सुपर टैकल होना और हरियाणा के चरखी दादरी में जो प्रतियोगिता थी 1,51,000 का इनाम था, वहाँ की भी ये विजेता टीम है, अभी 15 दिन के अंदर 3-4 टूर्नामेंट उठा चुकी है। निर्णय से संतुष्ट नहीं हुई टीम तो मैच छोड़कर जा रही है। जसोर खेड़ी की टीम ने मैच छोड़ दिया फैसले से संतुष्ट नहीं हुई टीम ऑफिशियल के निर्णय का सम्मान करें और ग्राउंड बिल्कुल छोड़ दिया है। चलिए हमने